नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 74वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को एक तोहफा देते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत तकनीक के जरिए लोगों की परेशानियों को कम किया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इस नंबर के अंतर्गत आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां इसमें शामिल होंगी। पीएम मोदी ने बताया कि आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारियां इस एक हेल्थ आईडी में एक साथ शामिल होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से हर देशवासी को एक तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस मिशन के अंतर्गत पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड और जांच सेंटर जैसे संस्थानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाई जा सके। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए लोगों को तमाम दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन पर भी चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिल जाएगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में हमारे देश के लोगों ने बीड़ा उठाया और सिर्फ कुछ महीने पहले तक जहां N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मंगवाते थे, आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।